अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं माज़ ख्वाजा, फाउंडर ऑफ www.askmaaz.com। जी व्यूअर्स, ये हमारा एक डिटेल लेक्चर है ऑन फायर सेफ्टी प्लान, और इस लेक्चर के अंदर हम डिटेल में हर एस्पेक्ट को गो थ्रू करेंगे एंड वी होप कि ये आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल साबित होगा। व्हाट इज मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ फायर? सबसे पहले तो फायर की कॉमन कॉजेज जो है ये आपको पता होना बड़ा ज़रूरी है, जिसमें फॉल्टी और मिसयूज्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आ जाती हैं, स्मोकिंग कुकिंग आ जाती है, अनसेफ स्टोरेजेज अनसेफ प्रैक्टिसेज आ जाती हैं, या हीटिंग अप्लाइसिस का जल जाना, ओवरलोड हो जाना, इलेक्ट्रिकल फायर जो होते हैं वो दीज आर ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ फायर। हॉट प्रोसेसेस, आर्सन, अनसेफ हैज़र्डस मटीरियल्स की स्टोरेजेज। आर्सन, व्हाट इज आर्सन? आर्सन से मुराद डेलिबरेटली फायर लगाना, यानी जानबूझ की आग लगाना। सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉमन कॉजेज ऑफ फायर। फायर ट्राइंगल, व्हाट इज फायर ट्राइंगल? फायर ट्राइंगल या आग की त्रिकोण, ये तीन चीज़ों का मिलाप है जिसमें फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन, यानी फ्यूल, हीट, हीट से मुराद सोर्स ऑफ इग्निशन, ये तीनों चीज़ें जब एक मुनासिब मकदार में आपस में मिलती हैं तो आग को जन्म देती हैं, और आग के नतीजे में गर्मी, हरारत, रोशनी और हार्मफुल गैसेस का इखराज होता है। ईच एलिमेंट मस्ट बी प्रेजेंट इन द करेक्ट प्रोपोर्शन, करेक्ट प्रोपोर्शन में। वैसे तो ये तीनों चीज़ें हर वक्त फिजा में मौजूद हैं, लेकिन जब एक मुनासिब मकदार में और करेक्ट प्रोपोर्शन में मिलती हैं तो ये आग को पैदा करती हैं। फ्यूल, फ्यूल से मुराद क्या है? एनीथिंग दैट बर्न इज पोटेंशियल फ्यूल फॉर अ फायर। द ड्यूरेशन ऑफ द फायर विल डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ फ्यूल। एग्जैक्टली, कोई भी चीज़ जिसको आग लग सकती है वो फ्यूल कहलाएगा, और आग कितनी देर लगी रहेगी? जितना फ्यूल होगा। जैसे फ्यूल ख़त्म हो जाएगा तो आग भी ख़त्म हो जाती है। सो फ्यूल को हटा देना इज़ वन ऑफ द मीन्स ऑफ स्टॉपिंग फायर फ्रॉम एक्सपेंडिंग। हीट, हरारत, हीट मस्ट बी सफिशेंट टू रेज द फ्यूल टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर, यानी इतनी गर्मी या इतनी हरारत मौजूद होनी चाहिए कि फ्यूल के इग्निशन टेम्परेचर पे तक वो उसको लेके जा सके। हर मटेरियल का एक खास इग्निशन या फ्लैश पॉइंट, इग्निशन टेम्परेचर या फ्लैश पॉइंट होता है, उस फ्लैश पॉइंट पे पहुंचने से पहले उसको आग नहीं लगती। तो आपके पास जो फ़िज़ा में गर्मी या फिर जो सोर्स ऑफ हीट है वो इस इतना हो के वो फ्लैश पॉइंट तक ले जाए, देन वो आग में कन्वर्ट होगा। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड डिपेंड्स अपॉन कम्बसिबल पॉइंट ऑफ फ्यूल। कम्बसिबल पॉइंट ऑफ व्यू से मुराद फ्लैश पॉइंट या हीटिंग पॉइंट, इग्निशन टेम्परेचर, टाइप ऑफ फ्यूल, किस किस्म का फ्यूल है, यानी लकड़ी, कपड़ा, प्लास्टिक, कागज़, हर मटेरियल का डिफरेंट इग्निशन पॉइंट होता है। एंड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल, कितनी फ़िज़ा में ऑक्सीजन मौजूद है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है? टू सस्टेन अ फायर द एटमोसफेयर ओनली नीड्स टू बी 16% ऑक्सीजन। आग लगने के लिए 16% ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, जबकि फ़िज़ा के अंदर 21% ऑक्सीजन मौजूद है। और मैं आपको बताता चलूँ कि जिस जो सांस हम बाहर निकालते हैं उसमें 18% ऑक्सीजन मौजूद होती है। द इंटेंसिटी ऑफ अ फायर डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल। आग कितनी इंटेंस होगी ये परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे ऑक्सीजन की परसेंटेज कम होती जाएगी, आग की इंटेंसिटी भी लो होती जाएगी। सोर्सेज ऑफ फ्यूल, कंबस्टिबल, जैसे कि पेपर, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, रबर, टेक्सटाइल एंड अदर सॉफ्ट फर्निशिंग, वुडन आइटम्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये भी सारे फ्यूल्स की इकसाम है। फ्लेमेबल्स, फ्लेमेबल लिक्विड हो, गैसेस हो, या सॉल्वेंट्स हो, केमिकल्स हो, गैसेस, ये सारे सोर्सेज ऑफ फ्यूल ही है। सोर्सेज ऑफ इग्निशन, यानी गर्मी या फिर फ्लैश पॉइंट जनरेट करने के सोर्सेज, सिगरेट्स, माचिसें, लाइटर्स, नेकेड फ्लेम, इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ इग्निशन। फॉल्टी और मिस यूज्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, हॉट प्रोसेसेस जो हमारी इंडस्ट्रीज में कॉमनली वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग के प्रोसेसेस होते हैं, कुकिंग इक्विपमेंट्स, कुकिंग अप्लाइंसेस, लाइटिंग इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी जो है ये भी सारा, लाइट्स वगैरह जो है ये सारी सोर्स ऑफ हीट है। ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ इक्विपमेंट वेंटिलेशन, वेंटिलेशन का प्रॉपर ना होना भी हीटिंग, हीट को जनरेट करता है। एंड आर्सन, अगेन डेलिबरेट फायर करना और डेलिबरेटली ऐसा काम करना, इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ इग्निशन। सोर्सेज ऑफ ऑक्सीजन, सबसे बड़ा सोर्स ऑफ ऑक्सीजन तो ये इटसेल्फ एयर है, नेचर है। मेन सोर्स इज द एयर अराउंड अस। इन एन इनक्लोज्ड बिल्डिंग ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाय नेचुरल एयर फ्लो थ्रू डोर्स, विंडोज और मैकेनिकल एयर कंडीशनिंग, एयर हैंडलिंग सिस्टम्स। एडिशनल सोर्सेज आर ऑक्सीडाइजिंग केमिकल्स, जो केमिकल्स ऑटोमेटिकली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इन्वायरमेंट के अंदर,
ऑक्सीजन सप्लाईज फ्रॉम स्टोरेज सिलेंडर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स इससे मुराद। नाउ हैजर्ड्स एंड रिस्क्स। हैजर्ड, एनीथिंग दैट हैज पोटेंशियल टू कॉज हार्म इज टर्म्ड एज हैजर्ड। एंड रिस्क क्या होता है? द चांस ऑफ दैट हार्म अकर एंड सिवियरिटी, इट इज कॉल्ड रिस्क। यानी कोई भी ऐसी चीज जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है वो हैजर्ड कहलाएगी, और किस हद तक और कितना नुकसान पहुंचाएगा वो उसका रिस्क है, उससे रिस्क एसोसिएटेड। तो हैजर्ड्स क्रिएटेड बाय फायर, फ्लेम्स एंड हीट, जो हैजर्ड्स फायर से रिलेटेड है उनमें फ्लेम एंड हीट, स्मोक एंड अदर प्रोडक्ट्स ऑफ कम्बशन, रिड्यूस्ड ऑक्सीजन, डेफिनेटली ऑक्सीजन कम हो जाएगा, जलता जाएगा तो पीछे पीछे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाएगी। स्ट्रक्चरल डैमेज, यानी बिल्डिंग्स वगैरह इमारत का जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाएगा। एंड एक्सपोज इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रिकल केबल्स की कोटिंग जल जाएगी तो वो एक्सपोज हो जाएंगी, नेकेड हो जाएंगी। अब हीट, इंटेंस हीट कैन कॉज सीरियस इंजरीज एंड डेथ। हाई टेम्परेचर्स कैन मेल्ट क्लोथिंग ऑन टू स्किन कॉजिंग सीवियर एंड डीप बर्न्स। अब ये हीट के हैजर्ड जो हैं। ब्रीदिंग इन सुपर हीटेड एयर कॉज रैपिड एंड सीवियर लंग्स डैमेज फॉलोड बाय अनकॉन्शियसनेस। एक्सपोजर टू एक्सेसिव हीट कैन कॉज फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स सच एज हीट स्ट्रेस। यानी गर्मी जो है वो हमारी जिस्म की मौजूद स्किन जो है उसको जला देगी, अगर सख्त गर्मी में हम सांस लेंगे तो हमारे लंग्स डैमेज हो जाएंगे हीट से, और इंसान को बेहोश भी कर सकती है, बाज़ मौत भी हो जाती है। इसी तरह हीट स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है ज़्यादा हीट में की वजह से। स्मोक एंड प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्शन, इनकम्प्लीट कंबस्शन प्रोड्यूसेस अ वैरायटी ऑफ बाय प्रोडक्ट्स मे ऑफ विच आर मैनी ऑफ विच आर टॉक्सिक और कोरोसिव। स्मोक इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन फायर। ये बड़ा अहम है कि बाज़ हम आग लगने से नहीं मरते, लेकिन आग के बाय प्रोडक्ट्स जो होते हैं जैसे कि स्मोक, उससे मौत वाकई हो जाती है लोगों की। इसलिए जब आग हो तो उसके वैक्यूएशन के स्पेशल मेजर्स लेने पड़ते हैं आपको, जैसे कि गीला कपड़ा या रुमाल चेहरे पर रख लें और नीचे क्रॉलिंग करते हुए चलें, ये सारे आपने स्मोक से बचने के लिए प्रिकॉशंस हैं। तो ये बड़े अहम है और बेहद ज़रूरी हैं। अ स्मोक इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ, इंजरीज डेथ थ्रू इनहेलेशन। आप इनहेल कर लें तब भी आपकी डेथ हो जाती है। इरिटेशन ऑफ द आइज कैन रिड्यूस विजिबिलिटी, आंखों में इरिटेशन हो जाती है, आपको नजर आना कम हो जाता है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, पॉइजनिंग आपके मेदे में हो जाती है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, सर्कुलेटरी सिस्टम्स के अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती है अगर वो ज़्यादा इनहेल कर लें आप। और पॉइजनिंग एब्जॉर्ब बाय स्किन, अगर आपकी स्किन के थ्रू एब्जॉर्प्शन हो तो स्किन की पॉइजनिंग भी हो जाती है। रिड्यूस्ड ऑक्सीजन, इसके क्या हैजर्ड्स हैं? फायर्स कंज्यूम लार्ज क्वांटिटीज ऑफ अवेलेबल ऑक्सीजन, फायर्स प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ अदर गैसेज दैट डिस्प्लेस ऑक्सीजन। जैसा कि जैसा ऑक्सीजन यूज होती जाएगी, ऑक्सीजन आग का हिस्सा बनती जाएगी, तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या अदर हार्मफुल गैसेज रिलीज होती जाएगी, और वो सारी गैसेज जो है ऑक्सीजन को वहाँ से डिस्प्लेस कर जाती हैं। तो एज अ रिजल्ट के डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन क्रिएट हो जाती है, दैट इट कैन, इट इज आल्सो वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ डेथ ड्यूरिंग फायर इंसिडेंट्स। लो ऑक्सीजन लेवल कैन रिजल्ट इन डिसओरिएंटेशन एंड इरिटेशनल थिंकिंग व्हिच मेक्स एस्केपिंग मोर डिफिकल्ट। आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं, थके थके महसूस करने लगते हैं, आपको नजर नहीं आता, धुंधला धुंधला हो जाता है, तो आपकी वहां से इवैक्यूएट करना मुश्किल हो जाता है। स्ट्रक्चरल डैमेज एंड कोलैप्स, आग लगने की सूरत के अंदर स्ट्रक्चरल डैमेज होता है और उसके बाद बिल्डिंग के कोलैप्स होने के खतरा बढ़ जाते हैं। हीटिंग कैन हैव अ सीरियस इंपैक्ट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ अ बिल्डिंग, बर्निंग, स्पिलिंग, मेल्टिंग, एक्सपेंशन। इफ अ बिल्डिंग कोलैप्सेस द पीपल इनसाइड मे बी क्रश्ड और इंजर्ड। पार्शियल कोलैप्सेस मे ऑब्स्ट्रक्ट एस्केप रूट्स। जैसे डेफिनेटली बिल्डिंग्स के अंदर जो स्टील मौजूद है वो एक्सपेंड कर देगा, आपके जो ब्लॉक्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ईंटें वगैरह वो चर्निंग नीचे गिरने लग जाएंगी ऐसा ऐसा करके, और अगर वो नीचे गिर रही है तो रास्ता आपको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, वैक्यूएशन प्रॉपर नहीं होगी, और अगर पूरी बिल्डिंग कोलैप्स कर गई तो अल्लाह ना करे जितने बंदे मौजूद होंगे वो सारे या तो सीवियरली इंजर्ड हो जाएंगे या डेथ भी कॉज हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी, फायर कैन कॉज डैमेज टू इलेक्ट्रिकल केबल्स लीडिंग टू शॉर्ट सर्किट्स और एक्सपोजिंग लाइव इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। एक्सपोज वायर कैन कॉज इलेक्ट्रोक्यूशन थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट विद वाटर। अगेन जब आग लगेगी तो बिजली की तारें भी डैमेज होंगी और उसके बाद फिर वो नेकेड हो जाएंगी, एक्सपोज हो जाएंगी। एक्सपोज होने के बाद मुमकिन है कि इलेक्ट्रोक्यूशन और फायर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हों।
fire and smoke spread. So there are four main reasons, yeah, more four main methods of fire and smoke spread. One is convection, conduction, radiation, and direct flame contact. Convection kya hai? Main mode of heat transfer in a developing fire. Heat transfer by movement of warm particles in a liquid or gas. Yani aap jo hai wo through movement of particles jo hai in just like liquid or gas ye karte hai, ek jagah se dusri jagah travel karti hai. As the particles are heated, they become lighter and less dense than air and therefore rise. The heated molecules eventually cool, become denser and sink. Repeatedly process result in the convection currents. हवा के थ्रू ना जाना कन्वेक्शन. देन आता है कंडक्शन. हीट ट्रांसफर थ्रू मैटर फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल. ये इसका एक अमल इस तरह भी है, जैसे आप पानी उबालें तो वो कन्वेक्शन करंट्स चलती रहती है, नीचे का पानी गर्म होता है, ऊपर आए तो ऊपर नीचे आए, तो इस तरीके से हीट ट्रांसफर हो जाती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. देन कंडक्शन, हीट ट्रांसफर थ्रू मैटर फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल, दैट इज यूजली यूज इन द सॉलिड parts. Jaise particles in the heated substances gain kinetic energy to move about faster. These particles interact with other particles nearby and transfer heat to them. Jaise khuda ra khwasta is diwar ke opposite aag lagi hui hai to wahan se heat travel karke is diwar ke taraf bhi aa jayegi through particles to particles. Then radiation uses electromagnetic waves to transfer heat. यानी जो हीट थ्रू सन अर्थ पे ट्रांसफर हो रही है, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू आ रही है, और इस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को हम कहते हैं या ट्रांसफर को रेडिएशंस. हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशंस कैन अकर ओवर मैसिव डिस्टेंसेस. डेफिनेटली मैसिव डिस्टेंस है, बहुत ज्यादा जमीन और सूरज के दरमियान. हीट रेडिएशन कैन पास थ्रू ट्रांसपेरेंट बैरियर्स सच एज ग्लास एज वेल. देन डायरेक्ट फ्लेम कॉन्टैक्ट, जो भी चीज या जो भी मटीरियल फ्लेम के साथ डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट आएगा उसको आग लग जाएगी. Fire control measures. So four main methods are fire control measures ke preventive, preventative, passive, active and managerial. Ye humne ab discuss kiya karne hai. Preventative control measures should always be considered first. Better to reduce the risk of fire starting than to deal with the consequences. Yani aapne उन मैयर्स को मद्देनजर रखना है कि आग ना लगे, बजाय इसके के बाद में आप रेस्क्यू करें और एमरजेंसी रिस्पॉन्स पे जाएं. तो फर्स्ट अटेम्प्ट या फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी ये है कि आप जिन चीज़ों से आग लग सकती है, जिन प्रैक्टिसेस से आग लग सकती है, उन प्रैक्टिसेस को कंट्रोल करें, उन मटीरियल्स को कंट्रोल करें, यानी फायर ट्रायंगल को बनने ही ना दें. प्रिवेंटिंग इग्निशन, सबसे पहले क्या प्रिवेंटिंग इग्निशन, इग्निशन को प्रिवेंट किया जाए, आग लगने को रोका जाए. अडॉप्ट सेफ वर्किंग प्रैक्टिसेस व्हेन undertaking hot works. Provide safe ways of discarding cigarettes. बड़ा अहम पॉइंट है, सिगरेट्स की वजह से बहुत ज़्यादा आग लगती है. Allow smoking only in designated areas. Limit the use of open flames. Use suitable electrical equipments. UL rating and FR cables use की जाए. Ensure that all electrical equipment is well ventilated and control arson. यानी deliberate fire को भी control किया जाए. Reducing risk from fuel. अब fuel से कैसे risk को reduce किया जाए? Reduce the amount of flammable materials in workplace to the minimum required for the operation of the businesses. Whenever possible, replaces flammable materials with less flammable alternatives. Follow safe working practices when working with flammable substances. Ensure safe storage, transportation and handling of flammable materials. Ensure that waste products are stored in an appropriate place until cleared. Ensure that paint, wall coverings, textiles and furnishings are fire resistant. Reducing risk from the oxygen. Keep windows and doors closed. Balance again employee comfort. इसके मतलब नहीं कि employees के comfort को आप disbalance कर दें, उसको देखते हुए अपने building के अंदर और बाहर की oxygen को quantity को maintain करें. Use compartmentation and self-closing doors. Close off ventilation systems not in use. Prevent or strictly control oxygen-rich atmospheres. Passive control measures. A passive control measures kya hai? Building features that prevent the spread of fire and heat. यानी वो इससे मुराद वो building features हैं जो आग बढ़ने से रोकते हैं और smoke के बढ़ने से रोकते हैं, रोके जाते हैं. यानी permanent escape routes.
refugees with communication systems and fire resistant features, fittings and decors. ये आप बिल्डिंग के अंदर जो है एस्केप रूट्स वगैरह इमरजेंसी रिस्पॉन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेज करें और उसको पॉइंट आउट करें. रिफ्यूजीज विद कम्युनिकेशन सिस्टम इंस्टॉल कर लें, पीएसएच पब्लिक एड्रेस सिस्टम जो होता है उसको इंस्टॉल करें सबको बताने के लिए. फायर रेजिस्टेंट फीचर्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं. नाउ कंपार्टमेंटेशन, ये क्या है? सब डिवाइडिंग अ बिल्डिंग इनटू सेपरेट फायर कंपार्टमेंट्स इन ऑर्डर टू डिफरेंट, अपनी पूरी बिल्डिंग को अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट फायर कंपार्टमेंट्स के तौर में डिवाइड कर दें. Provide a safe refuge for people within the building where it is not practicable to evacuate everyone at once. Assist firefighting operations and minimize property damage. इससे फायदा होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपकी ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी बड़ी है तो एक वक्त में बैक वक्त सबसे evacuate करना और assembly point में जाना नामुमकिन हो जाता है तो फिर आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन को या पूरी बिल्डिंग को डिफरेंट फायर कंपार्टमेंट्स में कर देते हो. हर कंपार्टमेंट का एक, हर एरिया का एक डेजिग्नेटेड फायर असेंबली पॉइंट हो जाता है तो सारे इवैक्यूएट करके उस अपने पर्टिकुलर असेंबली पॉइंट पे आते हैं एंड देन वहाँ से मेन असेंबली पॉइंट पे आते हैं. और दूसरा इसका मकसद ये है कि हर बिल्डिंग के जो कंपार्टमेंट्स बनाए होते हैं हमने उनके दरमियान ना फायर बैरियर्स होते हैं, फायर रिटार्डेंट होते हैं ताकि आग अगर एक कंपार्टमेंट लगे तो फैल के दूसरे कंपार्टमेंट में जा जाए, उस हद तक सस्टेन कर जाए, उसी में वो रहे, उसी तक महदूद रहे, आगे तक ना फैले. फायर ब्लैंकेट्स भी आप यूज़ कर सकती हैं या फायर कर्टन यूज़ कर सकती हैं या फायर रेजिस्टेंट डोर्स यूज़ कर सकती हैं, सारी चीज़ें आ सकती हैं. एक्टिव कंट्रोल मेजर्स, सिस्टम्स डिवाइसेस दैट प्रोवाइड अर्ली वार्निंग ऑफ द फायर, यानी फायर अगर हो गया खुदा नखास्ता तो उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाए और उसका अलार्म रेज हो जाए. रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ ऑपरेशंस टू परफॉर्म, फॉर एग्जांपल ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सिस्टम इसकी एग्जांपल है, मैनुअल कॉर्पोरेट्स इसकी एग्जांपल है, फायर अलार्म्स, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स इसकी एग्जांपल है और स्प्रिंकलिंग सिस्टम. मैनेजीरियल कंट्रोल मेजर्स, मैनेजीरियल पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप अ फायर सेफ्टी प्रोसीजर, सबसे पहले फायर सेफ्टी प्रोसीजर डेवलप किया जाए. अंडरटेक ट्रेनिंग एंड ड्रिल्स, फायर ड्रिल्स की जाए, उनकी ट्रेनिंग की जाए. मेंटेनेंस सिस्टम फॉर फायर इक्विपमेंट डेवलप किया जाए. अंडरटेक रेगुलर फायर सेफ्टी इंस्पेक्शन, फायर सेफ्टी इंस्पेक्शन और रात के फायर रिस्क असेसमेंट कंटिन्यूसली की जाए और अपने तमाम इक्विपमेंट्स की इंस्पेक्शन की जाए. यूज साइनेजेस टू आइडेंटिफाई एस्केप रूट्स, और अपनी बिल्डिंग अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फायर एस्केप रूट्स की मार्किंग की जाए. मीन्स ऑफ एस्केप, बिल्डिंग फीचर एंड फिटिंग्स डेट एनेबल पीपल टू मूव फ्रॉम अ प्लेस ऑफ पोटेंशियल डेंजर टू अ प्लेस ऑफ अल्टीमेट और रिलेटिव सेफ्टी इन द इवेंट ऑफ फायर. एस्केप रूट से मुराद है कि ये ऐसा रूट जब एमरजेंसी आ जाए ऑर्गेनाइजेशन में तो ये सेफेस्ट रूट होता है और इस सेफेस्ट रूट के थ्रू वो इजीली अपने आप को असेंबली पॉइंट या सेफेस्ट प्लेस पे लेके जा सके. तो इसकी कुछ कंसिडरेशन आए कि इसमें आपने टाइम कितना है फ्रॉम पॉइंट ऑफ योर वर्क प्लेस टू द असेंबली पॉइंट, इसमें कितना वक्त लगता है इसको कैलकुलेट करना बड़ा ज़रूरी है, और कितना टाइम लगेगा आपको एस्केप करने के लिए और डिस्टेंस कितना है. इसी तरह फीचर्स डेट माइट इंक्लूड स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन फ्रॉम द फायर स्प्रेड, हाँ जिस जगह से आप फायर रूट आपने बनाया क्या वो रूट जो है इटसेल्फ फायर से आग से महफूज भी है कि नहीं, ये ना हो कि जब आग लगे तो सबसे पहले उसी रूट पर आग लगती हो, तो वो इट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल मीन्स ऑफ कम्बस्टेबल मटीरियल, फायर रेजिस्टेंट होना चाहिए वो, फायर डोर्स सेल्फ क्लोजिंग डोर्स हो, वेंटिलेशन कंट्रोल सिस्टम हो, उस पर एमरजेंसी लाइट्स हो, सैनिटाइज हो. ये एक फायर डोर है, इस तरह का फायर डोर होता है, ये इसको पुश बार फायर डोर भी कहते हैं, और ये हमेशा आउटवर्ड खुलता है, इनवर्ड नहीं आता और सेल्फ क्लोजिंग होता है. फायर डोर फीडबैक, फायर डोर से क्या मुराद है, फायर डोर के क्या पैरामीटर्स हैं? सेल्फ क्लोजिंग डोर रिलीज मैकेनिज्म दैट ऑपरेट्स इफ द फायर अलार्म एक्टिवेट्स, सॉलिड रीबेट और इंट्यूमिनेसेंट स्ट्रिप्स, कोल्ड स्मोक सील्स, ये सॉलिड होता है और बिल्कुल ही सील्ड होता है, स्मोक भी इसके आसपास आर पार ट्रेवल नहीं कर सकती. इसके सेंटर में एक व्यू पैनल होता है और ताकि आप देख सकें कि अगली तरफ कितनी आग है या स्मोक है. कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम और कोटेड विद फ्लेम रेजिस्टेंट मटेरियल, या तो टोटली फ्लेम रेजिस्टेंट होता है या फिर इसके ऊपर पेंट की कोटिंग की होती है. अनलॉक ड्यूरिंग ऑक्यूपेंसी और हैव अ पुश बार, या हर वक्त अनलॉक होता है, इसके ऊपर पुश बार लगा होता है. Easy to open, well lit, routinely maintained. Travel distance capacity. Travel distance. How far people have to travel to reach an exit usually measured to a story exit or another fire compartment or protected area.
यानी कितना फासला आपको तय करना पड़ेगा इमरजेंसी पॉइंट पे जाने के लिए, ये कैलकुलेट करना आपका बड़ा जरूरी है। एग्जिट कैपेसिटी, हाउ मेनी पीपल कैन पास थ्रू द एग्जिट इन अ गिवन वे। मुमकिन है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मोर देन 1000 पीपल हो और आपने एक ही एमरजेंसी एग्जिट बनाया और एक ही एमरजेंसी रूट हो, तो इस तरह ये होगा कि ड्यूरिंग इवैक्यूएशन भगदड़ भग जाएगी और ड्यूरिंग इवैक्यूएशन आपको हादसा पेश आ जाएंगे। इसलिए नंबर ऑफ इवैक्यूएशन रूट्स भी बढ़ा दी जाती हैं, नंबर ऑफ इवैक्यूएशन डोर्स एग्जिट डोर्स भी बढ़ा दी जाती हैं और डिस्टेंस मेजर किया जाता है और देखा जाता है कि इस एग्जिट रूट से एक वक्त में कितने लोग गुजर सकते हैं। प्रोटेक्टेड एस्केप रूट्स, सेपरेटेड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द बिल्डिंग, बाकी बिल्डिंग से अलहदा होते हैं। कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम फायर रेजिस्टेंट मटीरियल्स एंड स्टेराइल स्पेसेस। एमरजेंसी लाइटिंग, एमरजेंसी लाइट से मुराद यूज्ड व्हेन मेन पावर सप्लाई ऑफ, जब मेन पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है ड्यूरिंग फायर इंसिडेंट तो ये इमरजेंसी लाइट्स हमारी हेल्प के लिए ऑन हो जाती है। शुड ऑपरेट ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट करें, इनको मैनुअल जाके ऑन ना करें। और इतनी ब्राइट हो कि आपको इमरजेंसी का जो एग्जिट रूट है, इवैक्यूएशन रूट है, मैप है, वो आपको इजीली नजर आता हो। डिग्री ऑफ इल्यूमिनेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ प्रीमिसेस एंड इट्स ऑक्युपेंट। अच्छा, ये एग्जिट डोर्स और एस्केप रूट्स के ऊपर होना लाजमी है और इमरजेंसी एग्जिट साइंस के पास भी होना लाजमी है ताकि नजर आए लोगों को कहाँ कहाँ पे इमरजेंसी साइंस है। स्टेयरवेज के ऊपर होना लाजमी है, जहाँ पे फ्लोर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, फ्लोर लेवल चेंज हो रहा है, वहाँ पे भी होना लाजमी है। विंडोलेस रूम्स के अंदर होना लाजमी है क्योंकि नेचुरल लाइट अंदर नहीं आएगी। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स के पास होना लाजमी है, फायर अलार्म कॉल पॉइंट्स के पास होना लाजमी है और इक्विपमेंट टू बी शट डाउन इन एन इमरजेंसी, जो इक्विपमेंट आपने शट डाउन करना है इमरजेंसी में उनके पास भी होना लाजमी है। एंड ऑल्सो इन लिफ्ट्स, ये इसलिए ज़रूरी है कि इन जगहों पर आपको नजर आए कि आपने कौन सा काम करना है। डेफिनेटली जब मेन सप्लाई ऑफ होगी तो टोटल ब्लैक ब्लैकआउट हो जाता है। तो फायर सेफ्टी साइंस, सेफ कंडीशन साइंस, ग्रीन रेक्टेंगल एंड वाइट सिंबल शो डायरेक्शन टू एरियाज ऑफ सेफ्टी एंड मेडिकल सिस्टम्स एंड लाइक एमरजेंसी एग्जिट। जो ग्रीन कलर के रेक्टेंगुलर साइन होते हैं वो आपको शो डायरेक्शन, वो आपको डायरेक्शन बताती है सेफ्टी एंड मेडिकल सिस्टम्स के लिए, जैसे कि इमरजेंसी एग्जिट साइन जो होते हैं वो सेफ कंडीशन साइंस को कहा जाता है। दूसरे रेड कलर के रेक्टेंगल साइन आते हैं, ये फायर इक्विपमेंट्स के साइन होते हैं, जैसे कि मैनुअल कॉल पॉइंट, फायर एक्सटिंग्विशर्स के साइन। फिर कुछ मैंडेटरी साइंस आ जाती हैं, वो ब्लू कलर की होती हैं सर्कल में, जैसा कि यहाँ पे ईयर प्लग्स पहने, ईयर मफ्स का इस्तेमाल करें, साइन इंस्ट्रक्शंस दैट फायर डोर इज केप्ट शट डाउन। फिर कुछ हैजर्ड साइन आ जाते हैं, येलो कलर के ट्राइंगल होते हैं, इसका मतलब होता है कि ये खतरात मौजूद है, जैसे फ्लेमेबल सब्सटेंसेस, हैजर्डस सब्सटेंसेस के हो सकते हैं। देन प्रोहिबिशन साइंस, ये रेड कलर के सर्कल्स शेप में होते हैं, जैसे नो स्मोकिंग, ये की सारी टाइप आ गए। ठीक, ये सेफ कंडीशंस थे, ये फायर इक्विपमेंट्स के हो गए, ये जो थे मैंडेटरी साइन हो गए, ये इंतबाह करने के लिए, और ये हैजर्ड से रिलेटेड साइन हो गए। फायर डिटेक्शन, इंपॉर्टेंट टू डिटेक्ट अ फायर एज सून एज पॉसिबल आफ्टर इट स्टार्ट्स एंड टू वार्न अदर पीपल इन ऑर्डर टू प्रॉम्प्ट देयर इवैक्यूएशन। इन स्मॉल प्रीमिसेस फायर कैन बी डिटेक्टेड बाय बिल्डिंग्स ऑक्युपेंट, इन सब प्रीमिसेस फायर मे बी डिटेक्टेड ऑटोमेटिकली बाय डिवाइसेस दैट। तो फायर डिटेक्शन सिस्टम होना एक कंपनी से बड़ा जरूरी है। जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो आमतौर पर फायर का पता चल जाता है, लोग देख लेते हैं, बट जहाँ पे कम्प्लेक्स सिस्टम्स हो वहाँ पे फायर का पता नहीं चलता, तो उसके लिए फिर ऑटोमेटिक डिटेक्शन सिस्टम्स होना लाजमी है। रेजिंग द फायर अलार्म, अब फायर अलार्म कैसे रेज कर सकते हैं, सबसे अहम और सबसे सस्ता भी मैं कहूँगा सोल्यूशन यही है फायर अलार्म का, कि जैसे ही आप आग देखें तो चलाने लग जाए, आग 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 इस तरह का चलाने लग जाए, तो ये आपका फायर अलार्म सिस्टम ही है, यानी आपका गला ही आपका फायर अलार्म सिस्टम है। देन ब्रेक ग्लास एट द या फिर मैनुअल कॉल पॉइंट से ग्लास तोड़ के, वो जो होता है पुश बटन जिसको कहते हैं, वो चला लें। पीए सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, यानी आप थ्रू फोन्स जो होते हैं मेगाफोन्स या फिर स्पीकर्स पे अलार्म कराते हैं आग लग गई है, बाज जाए, विसल सीटीएम वगैरह बजाई जाती हैं, लोग तोड़ के बेल्स होती हैं, रोटरी गोंग्स होती हैं, क्लैक्सॉन्स होती हैं, सारे सिस्टम जो है फायर अलार्म्स के टाइप हैं। अब फायर क्लासेस, ए बी सी डी एफ, ए से मुराद सॉलिड, बी से मुराद लिक्विड, सी से मुराद गैस, डी से मुराद मेटल्स एंड एफ से मुराद कुकिंग फैट ऑयल। फायर एक्सटिंग्विशर्स, ये फायर एक्सटिंग्विशिंग फायर, फायर एक्सटिंग्विश बाय रिड्यूसिंग वन और मोर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फायर ट्रायंगल बिलो। यानी मैंने जिस तरह बताया था शुरू में, कर आग की तकोर में से किसी भी एक चीज को हटा दे तो आग खत्म हो जाएगी, चाहे वो फ्यूल हो, हीट हो या ऑक्सीजन हो। अगर आप हीट खत्म कर दें तो कूलिंग मेथड कहलाएगा।
अगर हम फ्यूल खत्म करते हैं स्टार्विंग यानी भूख से मरते हैं कि आग, अगर रिड्यूस ऑक्सीजन करते हैं तो सफोकेट यानी सांस नहीं मिलेगा उसको, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उसे आग मर जाएगी। फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या होते हैं? दीज आर बेसिकली फर्स्ट एड ऑफ फायर के ये इतनी आपको मौला देते हैं कि आप सिर्फ आग को इंसिपिएंट स्टेज में बुझा सकें, या अगर ड्यूरिंग इवैक्यूएशन आपको जरूरत है तो आप अपना रास्ता बना सके। दे आर नॉट बेसिकली फायर फाइटिंग टूल्स, दे आर जस्ट फर्स्ट एड टूल्स फॉर फायर। ये रेड कलर के होते हैं, इन पर लेबल होता है, इंडिकेशन लिखी होती है कि कौन से टाइप का और किस टाइप की फायर को यूज़ कर सकते हैं। पास रूल्स पे मेंशन होता है, एक गेज होती है और जिसको आप देखते हुए ये असेस कर लेते हैं कि ये फील्ड है कि नहीं, ये इसका प्रेशर ठीक है कि नहीं। वर्क बाय ब्रेकिंग द फायर ट्रायंगल, ये फायर ट्रायंगल ब्रेक करता है, डिपेंड करता है कौन से टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ किया हमने। यूज़ अ नंबर ऑफ डिफरेंट एजेंट्स, वाटर कूल होते हैं, फोम टाइप होते हैं, ड्राई पाउडर होती है, CO2 होती है, हैलोट्रॉन होती है। सबसे पहले वाटर फायर एक्सटिंग्विशर रेड लेबल होता है, ठीक है, फॉर फायर इन्वॉल्विंग कार्बन बेस्ड सॉलिड मटीरियल क्लास ए फायर के ऊपर ये यूज किया जाता है। मूव द हीट बाय कूलिंग, फायर ट्रायंगल कैसे करता है, कूलिंग के थ्रू ब्रेक करता है। अच्छा, इसको आपने इलेक्ट्रिसिटी पे यूज नहीं करना, नहीं तो आपको शॉक लगेगा, इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा। अब फोम एक्सटिंग्विशर्स A FFF भी जिसको कहते हैं, ये क्लास ए बी एंड एफ के ऊपर यूज होता है, इसका क्रीम कलर का लेबल होता है, ये देख रहे हैं क्रीम कलर का लेबल। कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर्स, इनका रेड ब्लैक कलर का लेबल होता है और ये मोस्टली इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के ऊपर यूज किया जाता है। इनका वे क्या है, रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम द फायर, सफोकेट कर देते हैं फायर को। ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, इनका ब्लू कलर का लेबल होता है, क्लास ए बी एंड एफ के ऊपर यूज किया जा सकता है। रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम द फायर, इंटरप्टिंग द चेन ऑफ द कार्बन कंबशन एंड प्रिवेंटिंग रीइग्निशन, एक्सटिंग्विश क्विकली, नो सूटेबल फॉर यूज इन क्लोज स्पेसेस, या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे यूज करने के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता। बेस्ट इसके लिए ये जब आउटसाइड पे हो कि बाहर वाली ओपन एरिया में आग लगे तो फिर यूज किए, क्योंकि पाउडर फॉर्म में होता है, बाद इनहेल भी कर लिया जाता है तो फिर उसे मजीद हेल्थ इम्पैक्ट आ जाती है। वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर, ये येलो कलर का होता है, ठीक है, येलो लेबल है, और ये क्लास एफ कुकिंग फायर्स के ऊपर यूज किया जाता है। सिंपल चेक्स, ये छोटे से चेक्स हैं जो आपको देखने पड़ेंगे। इज द फायर एक्सटिंग्विशर रेडी टू बी पिक्ड अप, ये कैसे पता चलेगा, उसके ऊपर मौजूद ये गेज लगी होती है। इस पर तीन कलर होंगे, येलो, रेड एंड ग्रीन। ग्रीन का मतलब है कि एवरीथिंग इज ओके, रेड का मतलब है कि एवरीथिंग इज नॉट ओके, येलो का मतलब है कि अंदर पाउडर भी मौजूद है, प्रेशर भी है, बट इट इज ओवरचार्ज्ड। इज अ प्रेशर गेज रीडिंग द ग्रीन जोन, उसका वजन कितना उठा के देख ले, हल्का तो नहीं है, डिस्चार्ज तो नहीं हो गया, या फिर एसिड उसकी लीकेज वगैरह तो नहीं है, बॉडी डैमेज नहीं है फायर एक्सटिंग्विशर की, आपको बार बार चेक करना पड़ता है। और फायर एक्सटिंग्विशर को साल में एक बार यूज करें ना करें, इसको रिफिल करवा ही लेना चाहिए, ये रिकमेंडेड है। आर द सेफ्टी पिन्स इन प्लेस एंड द टेम्पर सील्स इंटैक्ट, अच्छा इसके अंदर एक सेफ्टी पिन भी होती है, जिस फायर एक्सटिंग्विशर की सेफ्टी पिन निकाल दी गई है तो उसको बेहतर है, इसका मतलब है कि उसको यूज़ कर लिया गया है तो उसको रीफिलिंग करवाते रहे, पिछले वो यूज़ किया हो या ना किया हो, बट देर इज चांस कि उसका प्रेशर लीक हो गया होगा। फायर ब्लैंकेट्स क्या होते हैं, ये फायर रिटार्डेंट शीट्स होती हैं, फायर रिटार्डेंट मटीरियल की बनी होती है, जो खुदा ना खास्ता आग लग जाए तो आग के ऊपर फेंक डाल दी जाती है, आग को सफोकेट कर देती है। किसी एम्प्लॉय को, किसी वर्कर को उसके ऊपर भी डाली जा सकती है, और इंसिपिएंट स्टेज पे आग हो तो उस पर डाल दी जाती है, आग इसके नीचे दब के खत्म हो जाती है। और हाउ टू यूज फायर ब्लैंकेट्स, पुल द ब्लैंकेट आउट ऑफ इट्स केस, चेक द फायर इज स्मॉलर देन ब्लैंकेट, होल्ड अप इन द ब्लैंकेट इन फ्रंट ऑफ यू, प्लेस द ब्लैंकेट ओवर द फायर एंड डू नॉट रिमूव द ब्लैंकेट। अच्छा, सबसे पहले तो आपने इस चीज़ का अंदाजा लगाना है कि जो ब्लैंकेट आप आग में फेंक रहे हो वो आग से बड़ा हो, यानी आग जो है वो छोटी हो, कम हो। फिर जब आपने ब्लैंकेट उसको बाहर निकालना है इसके पैकेट से, तो आपने यूँ पकड़ना है, यानी ब्लैंकेट बाहर वाली साइड पे होगा, उसको आग के ऊपर ऐसे फेंक देना है, ऊपर फेंकने के आधे घंटे तक पड़ा रहे ताकि नीचे आग प्रॉपरली सफोकेट हो जाए। फिक्स्ड फायर फाइटिंग सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, होजरीज आ जाती हैं, ड्राई वेटराइजर्स आ जाती हैं, स्प्रिंकलिंग सिस्टम्स आ जाती हैं, गैशियस सिस्टम्स आ जाती हैं, फोम सिस्टम्स आ जाते हैं। फायर सेफ्टी इंस्पेक्शंस, ये हेल्प करती है हमारी किस चीज़ में, ऑनर्स एंड ऑक्यूपायर्स ऑफ द बिल्डिंग्स आर कंटिन्यू टू मीट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंडर फायर सेफ्टी लेजिस्लेशन, बिल्डिंग्स आर फिटेड विद करेक्ट फायर सिस्टम सेफ्टी इंस्टॉलेशन एंड दोज इंस्टॉलेशन आर मेंटेन इन एन ऑपरेशनल कंडीशन। फायर वार्डन्स क्या है, ये कॉम्पिटेंट सोर्स होता है
who implement fire safety measures and give effect to appropriate procedures to be followed in the event of serious and imminent danger to relevant persons can be called as fire marshal, fire steward भी कहते हैं, fire marshal हो गए, fire warden जो कि सारा एक ही है। उनका मकसद होता है कि जब खुदा ना खास्ता आग लगे तो these are the very first person to respond। इनका काम evacuation कराना भी होता है, fire fighting भी करना होता है, ये सारे इनके कामों में आ जाते हैं। आगे हम different levels भी हैं और इनकी training होना बड़ा जरूरी है। Day to day role of fire wardens monitor general fire safety, ये daily inspection करते हैं area का fire safety measures कैसे हैं, report unsafe practices, जो unsafe conditions and practices उनको report करते हैं, report faults, incidents और near misses, इनकी reporting इनके अंदर आती है, discuss evacuation arrangements with the staff and other guidance, यानी safety talks करते लोगों को बार बार बताते हैं कि evacuate कैसे करना है, evacuation हमारे पास कौन कौन से parameters हैं, remain familiar with the escape routes and check accessible escape routes के अंदर किसी किस्म की hurdles तो नहीं है, उसको check करते रहते हैं, take a lead role during the fire drills, fire drills करवाते हैं जिसको lead के role का होता है, provide feedback on the success of the fire drills, तो fire drills की मेजर बाद में learning points होते हैं वो सबसे share करते हैं। Role of fire wardens when the fire alarm sounds continuously, जब fire alarm continuously बजता रहे तो उसके बाद उनके क्या role होता है, वेयर हाई विज विजिबिलिटी क्लोथिंग, सबसे पहले तो वो अपने कोट या सूट या फायर फाइटिंग सूट पहनेंगे, इंस्ट्रक्ट पीपल टू लीव जो उनका एरिया होगा, उन लोगों को गाइड करके निकले, फायर इवैक्यूएशन है, फायर इशू हो गया, इंश्योर दैट ऑल पर्सन लेफ्ट, और इंश्योर करेंगे सारे लोग अपनी जगह से जाएँ, एक तो कहना है बाद में उनको इंश्योर भी करना है कि वहाँ से सारे जाएँ, शट डाउन वाइटल और डेंजरस इक्विपमेंट, जो डेंजरस इक्विपमेंट्स हैं उनको शट डाउन करना, उनका इन्फॉर्म करना कि सर फ्ला सप्लाई ऑफ कीजिए, इसे आप फैलने का खतरा है, और दीज आर द लास्ट पर्सन टू लीव द बिल्डिंग, ये सबको वैक्यूएट करा के सबसे एंड में खुद बाहर आते हैं, फिर आके सेंट्रल असेंबली पॉइंट पे रिपोर्ट करती है, हेड काउंट्स होता है, सारे वहाँ पे काम कंप्लीट किए जाते हैं। इफ नॉट सेफ टू मूव टू एरिया वैक्यूएट टू द सेंट्रल रिपोर्ट वेदर और नॉट दे हैव चेक देयर एरिया सो दैट समवन कैन बी एलोकेटेड और इट कैन बी रिपोर्ट। हाँ, अगर कोई शख्स वैक्यूएट करने से बाहर मना कर दे और जिद में आ जाए कि नहीं मैंने अपना कंप्यूटर नहीं छोड़ के जाना, तो ये फिर उसके जाकर रिपोर्ट करते हैं कि सर फलां बंदा जो है नहीं आ रहा है, इसको वैक्यूएट करवाया जाए।